नमस्कार, मैं हूं शुभ पांडे और आप देख रहे हैं खंडवारा दास्तक। आज की कुछ खास खबरें इस प्रकार हैं। जहरीला पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत, 2 की हालत गंभीर। हमारे संवाददाता जी जयकर की खास रिपोर्ट के अनुसार कौशाम्बी जिले के सरायकेल थाना अंतर्गत चकपिनहा गांव की रहने वाली 65 वर्षीय शिवकली, पत्नी भैयालाल, 25 वर्षीय सीमा देवी, पत्नी कन्हैयालाल व 5 वर्षीय डीएम पुत्र कन्हैयालाल की 3-4 अगस्त की रात्रि को भोजन करने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, जबकि उसी परिवार के 2 सदस्यों कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय भैयालाल उम्र 30 वर्ष तथा सजिता देवी पत्नी किशन कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं उक्त घटना संबंधित बाइट। ये थाना सरायकेला में चकपिनहा गांव पड़ता है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग हैं। इसमें 5 लोगों की खाना खाने के बाद स्थिति बिगड़ गई और आनंद फानंद में वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, जिसमें से 3 लोगों की बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई है। 2 की स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है, जिनको रेफर किया गया है। 2 बच्चे जिन्होंने खाना नहीं लिया था वो सुरक्षित हैं, बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना है, पूरा कैसे मौत हुई? अरे मैं आटा में रहा, पता नहीं क्या उसमें दवा हो रही, क्या कैसे नहीं भरा, तीन आदमी खत्म हो गई। कैसे क्या खाए थे? रात को खत्म हुए एक दिन? हाँ, रात में खत्म है, जो मंजन पूरी खत्म हुई। मंजन पूरी क्या खाना बना था रात में? आदमी चावल रोटी दाल बनाए रहे हैं। कौन कौन खत्म हुआ? महाजारी खत्म हो गई, घर पे जाकर 2 मंझनपुर में खत्म हुए, 2 टोबा गाजी बाग गाफी ले। आपका नाम? हमारा नाम सुजय लाल। कौन से गांव का मामला है? हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद।